लीगो स्मार्टफोन्स ने हाल ही में कर दिया चाइना के अंदर अपने चार कैमरा वाला स्मार्टफोन लॉन्च, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता चार कैमरा वाला स्मार्टफोन माना जा रहा है। उसके रियर कैमरा की बात की जाए तो रियर में हमें मिलते हैं 8 मेगापिक्सल के दो कैमरा और फ्रंट की तरफ हमें मिल जाते हैं 5 मेगापिक्सल के दो कैमरा। 16 GB की इंटरनल मेमोरी होगी जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हो 128 GB तक और 2 GB की रैम मिलेगी। डिस्प्ले की बात की जाए तो 5.5 इंच की हमें IPS डिस्प्ले मिल जाएगी और साथ ही में हमें मिल जाएगा मीडिया टेक का प्रोसेसर। इस मोबाइल फोन के अंदर सारे जरूरी सेंसर है फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में और साथ ही हमें मिल जाता है 3.5mm का हेडफोन जैक। इस मोबाइल फोन में हमें मिल जाता है ड्यूअल सिम का सेटअप और ये फोन सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है और इस मोबाइल फोन की जो प्राइस है वो $69 है, इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो 3,940 रुपीज होता है। गाइस अभी आप यहाँ पे कहोगे कि अप्रोक्स 4,000 रुपीज के अंदर इस फोन को लेना काफी अच्छी बात है, लेकिन गाइस इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ खराब बातें भी है। सबसे पहली खराब बात है इस मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ, जो कि सिर्फ 2850 mAh की हमें बैटरी मिलती है। दूसरी खराब बात, इस मोबाइल फोन के अंदर हमें सिर्फ 2G और 3G का ही सपोर्ट मिलता है, मतलब जियो लवर्स इस मोबाइल फोन को यूज नहीं कर पाएंगे। तीसरी और आखिरी खराब बात यह है मोबाइल फोन की, मोबाइल फोन चाइनीज है और इंडिया के अंदर गाइस ऑलरेडी एक चाइनीज कंपनी मी ने अपनी पकड़ बना ली है और गाइस इस मोबाइल फोन को मंगाना मतलब गाइस फ्यूचर के अंदर इंडिया के अंदर चाइनीज मोबाइल फोन का ही बोलबाला रहेगा। 4G के टाइम में इस 3G मोबाइल फोन को लॉन्च करके इस कंपनी ने कोई भी समझदारी वाली बात तो नहीं की, लेकिन 4,000 रुपये के अंदर इस फोन को खरीदना मतलब 4,000 रुपये की बर्बादी करना होगा। लेकिन गाइस अगर आपको लगता है कि आपने चार कैमरा वाले फोन का एक्सपीरियंस करना चाहिए, आप इस मोबाइल फोन को aliexpress.com से मंगवा सकते हो, जो कि एक चाइनीज वेबसाइट है लेकिन इंडिया के अंदर काफ़ी आसानी से आपको मोबाइल फोन को दिलवा सकती है। सो गाइस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो इस मिस्टर आई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी नहीं लेकिन इससे भी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर और गुड बाय।